मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया है यू नो लोग बोलते हैं कि मुंबई आपको बदल देता है और आप यहाँ आकर चेंज हो जाते हो आपको सक्सेस बदल देता है लेकिन शायद सक्सेस मुझे बदल नहीं पाया उस तरीके से मेरा रिश्ता विक कर रिश्ता कभी मैं वो लड़की नहीं हुआ मेरे पास बहुत मैंने अपने दम पर बहुत मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और हमेशा थी तो मुझे ना ज़्यादा चाहिए मेरे पास जितना था ना मैं उतने में हमेशा खुश रही हूँ तो आज भी अगर यू फिल लाइफस्टाइल लाइफ स्टाइल ना शायद होगा मेरे पास बट तो मैं आज भी वही सिंपल लड़की हूँ जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है बट दैट्स मी मुझे मुझे लगता है आज भी मेरे और विकी की रिलेशनशिप पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं mm. कि आ, क्या है आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन ये सुशांत के मैटर में भी क्योंकि जब मुझे लोगों ने वहाँ पर भी पूछा था मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ है यार मैं किसी इंसान को जानती हूँ मुझे अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा पता है मैं हमेशा बताऊंगी ये मैं बता, कोई मुझे रोक नहीं सकता फिर उसके ऊपर आपके जजमेंट से आई थिंक आप जिसे प्यार करते हो उससे करते रहो और उसके सर पे बैठ करना अच्छो कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> तांडव मचाओ क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है तो बिल्कुल टिका रहेगा कहीं नहीं जाने पा एंड विकी वी आर गेटिंग डिवोर्स दैट्स अ वेरी आई अबाउट इन सेल्फ पर I'm Rudrani एंड वेलकम टू our Women's डे स्पेशल सीरीज वंडर Women. वो यहाँ खुद आई थी और अपने बलबूते पे उसने दुनिया को जीत लिया शी course इज़ नोन फॉर हर वंडरफुल एक्टिंग टैलेंट कुछ ही समय में वो टीवी की चहिती बन गई शी इज़ अन इनही बहुत मुश्किल होता है इतना बेबाक इतनी सच्चाई से अपनी जिंदगी जीना आई एम course टॉकिंग अबाउट द beautiful अंकिता लोखंडे

आई थिंक जब कोई चीज़ सच्ची होती है उसे करना नहीं पड़ता दैट्स वाट आई फील यू नो जहाँ पर ऑनेस्टी होती है वहाँ कोई दिखावा नहीं होता और जहाँ दिखावा होता है वहाँ आपको नाटक करना पड़ता है जब आप यहाँ से रियल होते हो तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी शायद अकॉर्डिंगली नहीं होती mm. लेकिन वो लोगों तक ज़रूर पहुँचती है एंड दैट्स वाट आई हैव ऑलवेज़ बिन यू नो शायद चीज़ें हमेशा सही नहीं हुई होंगी लाइफ में लेकिन जो किया वो यहीं से किया और वो लोगों तक पहुँचाए दैट्स वो और लोगों तक तो पहुंचा क्या पहुंचा अच्छी बातें पहुंची अभी है। अच्छी बातें पहुंची और अभी तक वो प्यार मिल रहा है यस एब्सोल्युटली yes, मैं अभी वही बात कर रही थी कि यू you नो know, मुझे इस इंडस्ट्री में 16 साल हो गए यू नो और मुझे लगता है कि जो डे वन पे मैं आई थी इंदौर से जो मैं निकली थी और यू नो मैं जैसी थी मैं आज भी यू uh, नो you know, Uh, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया यू you नो know? लोग बोलते हैं कि मुंबई आपको बदल देता है और आप यहाँ आकर चेंज हो जाते हो आपको सक्सेस बदल देता है लेकिन शायद सक्सेस मुझे बदल नहीं पाया उस तरीके से इन अ वेरी गुड वे यू नो आज मैं uh, जहाँ थी मैं वही हूँ वही इंदौर की लड़की वैसा ही एक दिल है जो अभी भी वैसे ही सोचता है और uh, उसी तरह मैं यू नो सबको अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी वेरी आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि यू you नो know, ये मैं सीखी हूँ शायद ये मेरी पेरेंटिंग हुई है ये मेरे संस्कार रहे हैं हमेशा आपको इतने सालों से जानती हूँ और हमारा रिश्ता शायद हम रोज़ नहीं मिलते रुद्रानी लेकिन आ, मुझे याद है हमने जब भी बात की है हम उसी लेवल पर बात करते हैं है। जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को तो आई थिंक वही हमारी पावर होनी चाहिए ना कि हम जब जिससे मिले खुल के मिले और हमेशा वो याद रहे एक दूसरे को हम दूसरे को इसलिए भी जानते हैं और मैं आपकी बहुत आदर इसलिए करती हूँ मुझे पता है आपने अपने ज़िंदगी में बहुत कठिनाई देखी है और मुझे लगता है जिस तरह से आपने उनके साथ डील किया है वो एक इंस्पायरिंग कहानी है इस जो जो कि आज हम बात करने वाले इंदौर कहा आपने तो इंदौर की गलियों में थोड़ा वापस चलते हैं बिल्कुल <laughs> जहाँ से शुरुआत की थी अंकिता आप हमेशा चाहती थी कि आप एक अभिनेत्री बने yes. आप में वो एक्टिंग का कीड़ा बहुत पहले से था तीन चार साल की बच्ची में था yes. जितना मुझे याद है इसके बारे में और वहाँ से आपने अपने ज़िद्द और अपने शिद्दत से आपने ये डिसीजन खुद लिया था कि आप बॉम्बे आने वाले हैं अ अंप्लिसिटी दैट यू लिव विथ और जब यहाँ पे आते वो दुनिया बहुत अलग होती है mm. तो मुझे उसके बारे में जानना है तो जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी ये सपना मैंने तब से मुझे जब से याद है यू you know, नो मैं हीरोइन बनना चाहती थी और कई बार आई थी यू नो you know, मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मम्मा मुझे हीरोइन बनना है और आप दादाजी से बात कर लो मुझे बॉम्बे जाना है मतलब मेरे को थर्ड स्टैंडर्ड में बॉम्बे आना था अब वो कैसे आना था कैसे नहीं आना था मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे साथ जब मैंने मम्मी ने वो देखा तो मम्मी पापा को ये लगा कि यू नो छोटी है ठीक है क्योंकि वैन यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वहाँ ऐसे सपने देख सकते हो लेकिन पूरे नहीं होते hmm. क्योंकि इंदौर जैसी जगह से बॉम्बे आना और स्ट्रगल करना बहुत बड़ी चीज़ थी तो मम्मी पापा को तब लगा छोटी है यू you नो know? ठीक है बड़ी होकर भूल जाएगी लेकिन मेरे साथ साथ मेरा सपना भी डेफिनेटली बड़ा हुआ था और आई रिमेंबर आई वॉज इन अलेवेंथ स्टैंडर्ड और uh, Uh, मैंने मुझे इंदौर से निकलना था मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं बॉम्बे किसी तरह पहुंच जाऊं मैं देख लूँगी क्या करना है तो मैंने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूशन होता था एक एयर होस्टर्स का और उसमें मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मुझे लगा बस मैं यहाँ से निकल जाती हूँ तो देखा जाएगा मैंने सोचा मैं एयर होस्टर्स बन जाती mm. हूँ तो बाय गॉड्स ग्रेस बाय यू नो माई फॉर्चून वॉज समथिंग जी सिन स्टार की खोजाया और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड माई मॉम डैड दे फुल्ली सपोर्टेड मी यू नो और उन्हीं की वजह से मैं सब मैं उस कॉन्टेस्ट में गई और वो मुझे बॉम्बे तक लेकर आए उनका बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने अपनी बच्ची को अठारह साल की बच्ची को बॉम्बे में रखा क्योंकि ट्रस्ट मी सबसे डिफिकल्ट चीज़ अगर कोई चीज़ होगी माँ बाप के लिए तो अपनी बेटी को अकेले बॉम्बे रखना क्योंकि आज का टाइम और वो टाइम में बहुत फर्क है तब ना सोशल मीडिया था ना कोई मोबाइल फोन भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बच्चे एक्टिव होते थे या uh, yeah, आपको आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं आपको पता चले बॉम्बे कैसे वर्क करता है पता चले कुछ नहीं पता था बट दे बिलीवड इन मी उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा उन्होंने उस कॉन्टेस्ट जी पर उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया और मुझे वहाँ रखा और उसके बाद मेरी एक सुंदर सी जर्नी चालू हुई और यू you नो know, इस पूरी जर्नी में मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी फैमिली यू नो दैट्स सपोर्ट दैट्स स्ट्रेंथ वॉट यू गेट फ्रॉम योर फैमिली क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मैं परिवार के बिना कुछ नहीं हूँ यू नो मेरे That's परिवार में अगर मैं शायद गिरी हूँ ना तो मैं हज़ार बार भी गिरी हूँ ना तो मेरे ही परिवार ने मुझे उठाया और खड़ा किया है तो मुझे आ, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं बॉम्बे होकर मैं अकेली हूँ hmm. मुझे हमेशा एक मुझे सेफ जोन मेरा हमेशा पता था कि माई फैमिली इज़ देयर फॉर मी ऑलवेज यू नो सो आई वॉज वेरी आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड यू नो मैं हमेशा अपने लाड़ प्यार में बड़ी हुई हूँ hmm. वैसी लड़की थी बट uh, uh, मुझे इतना भी पता था कि मेरे वैल्यूज़ क्या हैं यू नो मेरे बाउंड्रीज़ क्या है मेरा मैं कहाँ तक आगे बढ़ सकती हूँ और कैसे मेरे मम्मी पापा की वो जो जो उन्होंने मुझे सिखाया उस चीज़ को कैसे साथ लेकर चलना है hmm. तो uh, यहाँ तक वो गाड़ी चलती आ रही है और अब तक मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती आ रही हूँ लेकिन जैसे आपने बोला कि यू नो कई लोग बॉम्बे से बाहर आ जब बॉम्बे आते हैं तो वो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं स्पेशली लड़कियाँ यू नो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में जब मैं आ, जी नो मैं ऐसा जब मैं नई लड़कियों को देखती हूँ काम करते हुए yeah. या वो बहुत एंथू होती है कि मुझे अब बनना है आपके जैसा बनना है यू नो और आई ऑलवेज आज दम कि बड़ा अबाउट योर पेरेंट्स यू नो वो क्या सोचते हो अपने पेरेंट्स के बारे में आई रिमेंबर इंसिडेंट कि मेरी सेट पे कोई लड़की थी और उस उसका फ़ोन बंद हो गया था yeah. और वो मेरे मैंने बोला चल मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ यू नो तो उसको मैं ड्रॉप कर रही थी तो वो मुझे देख बहुत एक्साइटेड थी यू नो कि अंकिता लोकर इज़ ड्रॉपिंग में होम ऐसे ऐसे करके और मैंने सिर्फ उसे एक ही सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताओ आपका फ़ोन बंद है आपने अपनी मम्मी को कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश की या बताया कि मेरा फ़ोन बंद है कि मैं चलिए तो नहीं मैं जाकर कॉल कर लूँगी ना तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि आपको पता है कि मम्मी पापा कहीं दूर बैठे हुए हैं और आप यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में हो आपका फ़ोन बंद होना उनके लिए सबसे आ, डेंजर जोन हो सकता है कि वहाँ बैठा इंसान अपनी बेटी के फ़ोन बंद होने पर पता नहीं क्या क्या सोच लेगा अक्सर लोग भूल जाते हैं यू नो कि कोई हमारी फैमिली है और बहुत गलत गलत रास्ते पर चले जाते हैं लोग और उसकी वजह से डिप्रेशन एन्जाइटी और बहुत चीज़ें हो जाती है और मुझे सच में उस चीज बहुत डर लगता है क्योंकि इतने यंग बच्चे आते हैं शायद जैसा जैसी समझ मुझ में शायद सब में ना हो बट इफ आई कैन जस्ट यू नो अगर देल। मैं अपनी तरफ से एक इंसान को बता सकती हूँ कि मम्मी पापा इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि उनको मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी जरूरत ना हो देर रात भी किसी लड़की को या किसी को हमारी जरूरत हो जस्ट कॉल मी यू नो आई बी फॉर यू आप समझती हो सम मैं अकेली रही हूँ और उस टाइम पे ना अगर मुझे कोई ऐसा सपोर्ट करता हुँ। 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 ना तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात होती है यू नो तो मैं आज वो सपोर्ट बनना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जो बाहर से आते हैं जो सच में बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और यहाँ जरूरी नहीं हर किसी का सपना पूरा हो बट ये यहाँ भटक जाते हो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक बिग बॉस में आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था राइट right? जिससे आप गुजर चुकी हो आपने बात की है लेकिन उस समय जो जिस तरह का एक पेशेंस और एक कामनेस के तरीक, तरीके से आपकी माँ ने आपको सपोर्ट किया वेर अदर्स वेर क्रेजी विद वॉइस एंड ओपिनियंस आई थिंक वो आई रियली सल्यूट कि कभी कभी यू नो शांत होकर भी जीता जा सकता yes, है सबका एब्सोल्युटली। मुझे लगता है विच इज़ वाई आई सॉ द डिफरेंस वेन यू कीम आउट ऑफ द हाउस आई फील लाइक आंटी से और भी सलाह मिली है उसके बाद तो मुझे वो जानना है और किस तरह से ग्रोइंग अप रियर्स में लुकिंग एट द काइंड ऑफ वुमेन वी टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम ना mm. कि हमारे आस इर्द गिर्द के कुछ ऐसे महिलाओं को देख के हमको लगता है ऐसा बनना है यार yes. इस तरह का स्ट्रेंथ चाहिए मुझे भी क्या आपके लाइफ में और कोई है डिसाइड आंटी है पहले चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि ऑफकोर्स जब मेरी मम्मा बिग बॉस में आई थी और um, मम्मा एक ऐसी यू नो तो जब मैंने मम्मी को फर्स्ट टाइम बिग बॉस में देखा यू नो आई कुड नॉट कंट्रोल मतलब मेरी मम्मी से मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तीन चार महीने बात ना की हो या मम्मी को देखा ना हो यू नो आजकल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास वीडियो कॉल होती है या आपके पास फ़ोन होता है mm -hmm. बट बिग बॉस एक ऐसा घर रहा है जहाँ पे आप बिल्कुल ही उस चीज़ से वंचित थे लेकिन ऑफ़ ऑफकोर्स जब मम्मा को देखा तो ऑटोमेटिक इट वॉज अ वेरी यू you नो know, ऐसे था कि मम्मी को देख के आंसू ना ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर में हर किसी के साथ ऐसा हुआ यू you नो know, जिन्होंने अपने लोगों को देखा है और वो रोए हैं यू नो वो एक फीलिंग होती है लेकिन ऑफकोर्स एक चीज़ जो मैं अपने मम्मी से हमेशा कोशिश करती हूँ सीखने की वो है पेशेंस जो कि मुझ में नहीं है तो मैं जब भी अपनी मम्मा को देखती हूँ यू नो वो एक कामनेस एक ठहराव जो कि जो कि हर औरत में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है औरत में जो ताकत होती है ना वो यू नो वो मर्द में नहीं होती आई फील दैट क्योंकि यू नो वमेन कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग एंड स्टिल दे बी लाइक दिस यू नो और अगर एक यू uh, नो you know, मर्द को कुछ तकलीफ भी होगी ना वो भी शक्ल पे होगी तो मुझे ऐसा तो लगता है मैं मम्मी से वो चीज़ सीखना चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि वो जो ताकत एक पावर जो है जब मम्मा बिग बॉस के अंदर आई अराउंड मेरे बहुत चीज़ें हो रही थी लेकिन माई मदर वॉज़ लाइक यू नो शी हेल्ड मी शी गेम मी दैट हग एंड शी वॉज़ लाइक कोई बात नहीं सब ठीक है इट्स ओके okay. एंड यू नो वो मुझे ही नहीं बल्कि विक्की हम दोनों को संभाल कर चलने oh क्योंकि वो विक्की को भी उतना ही जानती है जितना वो मुझे जानती of है यू नो you know? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मम्मा का एक हग ना हम दोनों के लिए काफ़ी था ये बताने के लिए कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक वही मम्मा होती है यू you नो know? और उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द वमेंस इन ऑफ माई लाइफ तो रुद्रानी मैं एक ऐसे फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे ना हमेशा औरतों ने राज किया है यू नो चाहे वो मेरी नानी हो चाहे वो मेरी मासियाँ हो चाहे वो मेरी मम्मा हो यू hmm. नो you know, और uh... Uh, मैं अपने आसपास हमेशा इन औरतों को दिखती हुई जिन्होंने अपने घर चलाए हैं यू mm. नो you know, वो काम भी करती आई हैं लेकिन वो अपना परिवार भी चलाती आई हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया दे ऑल हैव बीन यू नो वर्किंग वुमेन्स इन द लाइफ दे स्टिल आर वर्किंग और उन्होंने अपने बच्चों को भी बड़ा किया आज उनके वो पोते पोतियों को भी बड़ा कर रहे हैं यू you नो know, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे घर में पैदा आज मेरी नानी मैं देखूँ तो यू नो ईज़ पैरलाइज्ड हा हाफ बॉडी इज़ पैरलाइज्ड बट वो सब सारे काम करती है आज वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है यू नो और वो जब मैं देखती हूँ तो आपके आसपास वैसी बहुत सारी इंस्पिरेशन है यू you नो know, तो मैं बड़ी ऐसी हुई हूँ अपने नानी को देख के मम्मियों को मम्मी को देख के मासी को देख के तो ऑटोमेटिक एक एनर्जी आपके अंदर होती है कि यार मैं ऐसी जीन्स है मेरे अंदर जो इतना कुछ झेल सकती है तो जब लाइफ में मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस की ना तो मैंने सिर्फ इन्हीं का एग्जाम्पल देखा और इन्हीं औरतों ने मुझे वापस खड़ा किया है हर चीज़ करने के लिए इस इंडस्ट्री में भी मेरे साथ औरतें रही हैं यू नो जो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है एकता मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मेरा करियर बनाया जिन्होंने मुझे पवित्र रिश्ता दिया And she's a woman, you know. You, when you look at yeah, her, she inspires you, like you want to become like her, yeah. you know. And then Kangna, you know, Kangna is somebody who I really look up to because, you know, the way she acts, the way she handles everything, she's very solid as a woman, you know. Yeah. So I have, I think, my army women army, and I feel very proud to be a woman. One of the मोस्ट लव्ड टी वी एक्ट्रेस रह चुकी है दे कंटिन्यू टू आई लव यू फॉर दैट आई थिंक वो एक रोल था अर्चना का जो आई थिंक yes, अब तक लोग नहीं भूले हैं जो एंड आई नथिंग टू से मतलब एक डिसीजन मेरी लाइफ का इतना सही हुआ जो कि पवित्र रिश्ता था एंड यू नो आज भी मुझे जब लोग अर्चना के नाम से बोलते हैं या यू नो बिग बॉस में भी मेरे पास से पवित्र रिश्ता की बातें थी करने के शायद लोगों को लग रहा क्या पवित्र रिश्ता मैंने सुना बट दिंक इज मेरे पास वही है एंड वो मेरी अचीवमेंट है यू नो you know? और एक ऐसा शो जिसके बारे में लोग आज भी बात कर रहे हो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जो लोग नहीं भूलना चाहते तो मैं क्यों उन्हें भूलने दूँ भी जब लोग ही नहीं भूलना चाहते हैं और तो मैं और है तो मैं क्यों 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 नहीं नहीं है शो तो मुझे लगता है वो शो भी कैसा था जो बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट वाला भी भी शो था जहाँ पे आ, सारी औरतों ने यूरोपे you know, राज किया चाहे वो मेरी सास हो चाहे वो मेरी मम्मा हो चाहे वो मेरी बहनें हो चाहे वो अर्चना हो यू नो तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ वॉट यू डू एंड जब वो लोग ही इतना प्यार करते तो आप उस प्यार को कैसे यू नो टुकरा सकते हो कभी कभी लोग भूल जाते हैं जब आप स्टार बन जाते हो आप इतनी बड़ी चाहती है सबकी आज कि आपने जो स्ट्रगल किया है वो भी एक अलग तरह का स्ट्रगल था और उसमें आपने जी जान लगा दी थी मुझे याद है टू से लेकर टू को आपको आई थिंक मोस्टली पवित्र रिश्ता मिला था तीन चार साल वॉज नॉट वेरी इजी फॉर यू बिकॉज आप यहाँ आके सेटल तो हो रही थी आपको रियलिटी uh, शो आपको मिला उसके बाद लेकिन आपने हर तरह का चीज़ किया आपने यू गिवन सो मेनी ऑडिशंस और आपके काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस थे mm -hmm. जो आई थिंक अगर लोग सुनेंगे तो उनको एक उनके लिए एक चेतावनी भी होगी कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट एंड पर्टिकुलरली द वे यू डेल्ट विद इट तो मुझे उसके बारे में बात करनी है सो टू थाउजेंड में जी से डिस्टार्ट की कोच खत्म हुआ और तब तक जब तक अंदर थे जी सिने स्टार की खोज में तब mm. तक लगता था वाओ लाइफ यू हैव यू नो आपको वोल्वो से जाना है आना है रिहर्सल्स ये सब घर mm. है आपके पास खाना गाड़ी बंगला सब कुछ है जैसे ही बाहर निकले इट वाज अ रियलिटी चेक अच्छा नाउ आप निकल गए हो आप बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब आप आपको छोड़ दिया गया है बॉम्बे की सड़कों पे क्योंकि अब कोई लेना देना नहीं है ना, पर उस टाइम जब मेरा पहला ऑटोग्राफ भी किसी ने मुझे लगा मैं स्टार बन चुकी हूँ आपको फीलिंग आ है आप बन चुके हो पर जैसे आप लोखंड वाला की गलियों में घूमते हो ना आपको पता चलता है अरे यार अभी भी मैं बनी नहीं हूँ अब घर ढूंढने का टाइम आ गया है यू नो तो उस टाइम से घर ढूंढने का सफ़र चालू होता है और आपको पता चलता है यार इतना रेंट तो हम नहीं दे सकते हैं यू you नो know, क्योंकि रेंट काफ़ी हाई होते थे बट uh, फिर भी कैसे रहना है फिर आप यू uh, नो you know, जो लड़कियां होती हैं जिनसे पूछते हो कोई रहना चाहता है नहीं चाहता है दो दो तीन तीन -ती लड़कियां साथ में रहते हो एंड फिर उनके साथ रहना पड़ता है आपको घर मिलता है एक रूम का घर मिलता है जिसमें आप तीन तीन लोग रह रहे होते हो लिटरली एंड देन यू नो वो एक एक अलग टाइप का स्ट्रगल होता है बट uh, उसके अलावा वो चालू होने के बाद अब आपको हर महीने का रेंट जुगाड़ करना है चैसी? सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आप घर से नहीं मांग सकते क्योंकि ऑफ कोर्स आपके दम पे जबकि मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया लेकिन एक होता है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैं क्यों मांगू यार तो फिर आ, उसके लिए यू you नो know, मुझे कभी कोई भी काम छोटा बड़ा करने में कभी शर्म नहीं आई रानी मुझे ऐसा लगा जो मुझे काम मिलेगा मैं वो करूँगी बट uh, मेरे कुछ रूल्स uh, थे अपने लाइफ में कुछ मेरे को जैसा काम करना था वो मुझे करना था मुझे हमेशा सेकंड लीड के या नेगेटिव लीड के या ऐसे कुछ रूल्स आते थे और मैं बोलती थी मुझे नहीं करना ये सब मुझे अगर मैं करूँगी तो कोई ऐसी चीज़ करूँगी जो मेरी खुद की होगी यू नो you know, मुझे हमेशा लगता था आई वॉन्ट टू गिव बर्ड टू समथिंग जो मेरा होगा ये मैं बहुत अड़ी हुई थी इस चीज़ पर तो उसको ना करके फिर मैंने एक यू नो मैंने फिर मॉडलिंग uh, की दुनिया में गई जहाँ पे कैटलॉग्स uh, होते थे यू नो रेफरेंस शूट होते थे तो मैं इतना बड़ा फेस नहीं थी तभी तभी कुछ थी ही, ही नहीं जो, जो मुझे कैटलॉग में जाते तो आई शूड रेफरेंस शूट्स यू नो तो रेफरेंस शूट इज़ ऑल अबाउट आपको पर ड्रेस आपको पैसे मिलते हैं सो so आपका साड़ी का लुक होता है हंड्रेड रुपीज़ पर सूट पर साड़ी एंड सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर सूट दैट्स येस सो मैं यू नो रोज़ की कभी फिफ्टी साड़ीज़ करती थी कभी फिफ्टी सूट्स करती थी तो मेरा एक वो जाता था कि एक चीज़ मेरा रेंट निकल जाए यू you नो know, सबसे बड़ी चीज़ आपकी बॉम्बे में अगर रहना है तो क्या होता है रेंट निकल जाना चाहिए और आपका खाना पीना हो जाना चाहिए तो वो मेरा टारगेट होता था और उसके अलावा फिर आपकी जो ऑडिशंस चल रही वो अलग चलती थी लेकिन आई वॉज़ वेरी चूजी देन ऑल्सो अबाउट माई वर्क कि मुझे क्या पिक करना है अपने लिए आई वॉज़ वेरी आरियल फॉर दैट यू नो तो मैं ये कर 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 के -कर करके -कर -कर ये सारी चीज़ें की फिर मैंने कुछ यू नो शोज़ किए जिसमें जो कैसे बोलते हैं उसे कोई हिस्टोरिकल शोज होते थे जिसमें कुछ आपको गेटअप में होना पड़ता था वेरी फनी आई से फनी बट कुछ अलग व्यर्ड था अपने आप को hmm. देखने के जी. लिए बट आई वो आई न्यू दैट यू नो एक एक शो है या एक कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए होगी तो तब जब आप निकलते हो ना आपको एक एक वो होता है जोन जहाँ मुझे फिल्म्स करनी है ठीक hmm. है तो मुझे फिल्म कर करनी थी बट इतनी समझ नहीं थी कि यू you नो know, फिल्म लाइन कैसी है क्या है बट लगता था हमने तो स्टार में कर ही लूंगी टाइप तो आई रिमेंबर आई वेंट फॉर द ऑडिशन फॉर अ साउथ फिल्म यू नो और वहाँ पे मेरा हो गया था और बहुत अच्छे से यू नो आई गॉट सिलेक्टेड टू दैट फॉर दैट रोल और उन्होंने मुझे बुलाया था तो जब मैं उनसे मिलने गई एक होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए और आ, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर गई थी उनको बोला आप बाहर रुको एंड आई वाज वेरी नर्वस कि अकेले क्यों बुलाया क्योंकि ऑब्वियसली डर लगता था अब छोटी थी आई वाज जस्ट नाइनटीन ट्वेंटी और डर लगना भी येस yes, तो मैं गई अंदर तो उन्होंने बिठाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमने सेलेक्ट तो कर लिया है hmm. लेकिन देर इज़ समथिंग यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ओके एंड यू नो आई वज लाइक Uh, I know what is compromise no, but, you can't but I, I played very smart and I what kind of a compromise do they want like the producers hmm. want me to do do they want me to go for a party with them you know I was nah. I was just you know because I was not comfortable with the Obviously. whole uh, situation And then they suddenly said you have to sleep with the producer hmm. and uh, I, I just got up

मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था दैट आई विल नॉट बिकॉज मुझे अपने आप के लिए सुन के बहुत गंदा लगा mm. कि मुझे किसी के साथ सोना पड़ेगा जस्ट टू बी बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म आई डोंट नीड दैट आई डेफिनेटली डोंट नीड दैट यू नो एंड दैट्स आर माय वैल्यूज यू नो मतलब ये मेरी चीजें जो मैं शायद सोच भी नहीं सकती अपने mm. लिए और ये बात मैं शायद घर पर भी नहीं बता पाई क्योंकि मुझे अपने आप के लिए इतना गंदा लग रहा था ये सोच के कि ऐसा कैसे कोई मुझसे पूछ सकता है यू you नो know?

उस तरह आ ही नहीं पाते यू अंडरस्टैंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ दट्स वॉट आई फील दिस इज दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी टॉक्सिक यू you नो know, hmm. आप उस चीज़ को आप अलाउ भी कैसे कर सकते हो लोगों को पूछने के लिए मैं हमेशा इस चीज पर अड़ी रही हूँ मैं शायद इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ hmm. विजिबल उस तरीके से मैं हर जगह नहीं हूँ no, क्योंकि मेरे है। अपने उसूल है लाइफ में यू नो दिस इज मी मुझे पता है मुझे कैसे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है मुझे क्या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यू नो मैं मुझे पता होना चाहिए मुझे कोई कितना भी फोर्स कर ले ये आप पर डिपेंड होती है सारी चीजें कि आप क्या करना चाहते हो तो उसके बाद यू नो मैंने सोच लिया था कि मुझे फिल्म नहीं करनी एंड यू नो माय फादर केम एंड ही सेड लेट्स गो टू इंदौर बैक एंड बस हो गया अब इंदौर में भी लोग पूछ रहे हैं कि कर क्या रही अंकिता यू नो दिक्की तो है नहीं दस सवाल बिकॉज यू यू फ्रॉम यू नो मिडिल क्लास फैमिली आपके परिवार शायद आपके बाहर वाले लोग इतना नहीं पूछते जितना आपके घर के अंदर के लोग mm. आपसे इतने सवाल कर रहे होते हैं एंड माई मॉम डैड व लाइक अब हो गया हमने तो जितना टाइम दिया सब कुछ करने का नाउ इट्स हाई टाइम

क्योंकि बालाजी की हीरोइन बनना बिग बिल्कुल अभी भी है जो लोग अब यू नो स्टार्ट करेंगे बट मेरे लिए ऐसा था कि नहीं यार मैं बालाजी की हीरोइन जैसे तो नहीं लगती बिकॉज यू नो एक मैम हेज अ वेरी टिपिकल चॉइस ऑफ लीड वेट शी इज वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ गर्ल जो इट्स बहुत सॉफ्ट स्पोकन और मैं ऐसी कहीं पर भी नहीं थी तो जब अर्चना का कैरेक्टर गुड एक्टर मे yeah, भी <laughs> तो जब अर्चना मिला मुझे बट मॉम मो शौक और मेरी मुझे आज भी याद है मम्मा मैं फर्स्ट डे पर जब शूट पे जा रही थी <laughs> तो कर लेगी ना मतलब मम्मा मैं कर लूंगी लूँगी क्योंकि वो इतना गुंगा कैरेक्टर था अर्चना का पहले <laughs> वो इतनी शांत थी वो इतनी यू you नो know, बिल्कुल जो बोलोगे वो कर लूंगी टाइप्स थी तो मेरी मम्मी को मुझ में सबसे ज्यादा डाउट था बट देन यू नो अपेरेंटली यू नो अर्चना वॉज समथिंग जो मेरी लाइफ का इतना अटूट हिस्सा बन गया एंड आई प्लेड इट वेल आई गेस आई थिंक यू प्ले डिट वेरी वेरी वेल मुझे ये लगता है कि आपकी ये कहानी सुन के ना बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी एंड द लेसन दैट वी शुड फर्स्ट लर्न इज दैटर गेव अप निव अप टिल टूडेम नॉट गिविंग अपॉट एनी थिंग दैट्स मी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि uh, मैं चीज़ों के पीछे भागती नहीं हूँ यू नो आई एम वेरी कंटेंट विथ वॉट आई डू एंड आई हैलवेज गिवन दैट लव टू माई शो कॉल पवित रिश्ता यू नो आई ऑलवेज फेल जब uh, सुशांत ने शो छोड़ दिया था और मैं शो में थी मुझे बस एक चीज़ लगी कि अगर दोनों लीड छोड़ देंगे ना शो बंद हो जाएगा क्योंकि मुझे भी फिल्म करनी थी और मेरे लिए रस्ते खुल रहे थे बट देन मुझे था कि ये शो एक कोई करे लेट हिम गो अहेड एंड लेट मी बी देर बिकॉज फॉर मी मेरे लिए वो शो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए मेरा आई सेड नो आई वॉन्टेड टू गिव बर्थ टू समथिंग एंड दैट वॉज अ शो यू नो मैंने उसको जन्म दिया था और वो शो कहीं कही ना कहीं मुझसे इतना जुड़ा हुआ था जी. कि मैं उसे इस तरीके से छोड़कर बीच मझधार में नहीं जा सकती थी एंड मैं खुश थी मैं रोज़ अपने सेट पे जाती थी रोज़ मस्ती करती थी और uh, अब मेरे ही सब घर था वो मेरा और जब मैं बहुत कम्फर्ट जोन में थी अपने तो मुझे जब ऑफर्स भी आ रही थी फिल्म की मुझे बस इतना था कि ये शो एक बार बंद अपने आप हो जाए Then I should take over. मैं छोड़ूंगी नहीं बीच मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में That's a मुझे, Yes, मुझे नहीं छोड़ना था वो शो तो इसीलिए मैंने वो छोड़ा नहीं कहीं और यू नो शो अगर चलता रहता ना तो मैं करती रहती रुद्रानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं mm. थी आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट स्पेस यू नो एंड I'm एम टेक टू डेक यू you मी अ प्रोजेक्ट आई गिव माई हंड्रेड परसेंट टू to it, you know. I'm not somebody to give अ पोनेट और आई एम नॉट समबडी कि मैं बहुत नाटक करूंगी कि मुझे ये नहीं यहाँ करना मुझे वो नहीं आई विल भी देर फो यू क्योंकि मैंने वो पवित्रता से सीखा है कि कैसे ज़मीन पे बैठ के भी खाना खाना है ये मुझे पवित्रता में ना यू you नो know, uh, मेरा कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हुई था ना कोई स्पॉट बॉय था मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी उन छः साल की जर्नी में मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे लगता है सब लोग तो मेरे हैं यू नो तो वो चीज़ मुझे पवित्र ने सिखाई और उसके बाद जब मेरी फिल्म का जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ यू नो जब मैंने मनिकर्णिका की तो जीरो उसमें भी मेरी वही चीज़ें काम आई शायद कि मैं मैंने ना स्क्रैच से चालू किया मैंने लिटरली जो कमल सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे तो मैंने ना मैंने उनको बोला था कि आई एम अंकिता लोखंड इज़ नो बडी डोंट ट्रीट मी एज अंकिता लोखंड आई वो टू स्टार्ट विद द सेम फीलिंग जो मैंने अर्चना के टाइम की थी कि आई एम अ न्यू कमर बिकॉज इफ़ आई नॉट फील दैट एम अव कमर आई बी एबल टू लर्न आगे एक मेरी ग्रोथ नहीं होगी फिर मैं अटक जाऊंगी कि अच्छा अंकिता लोखंड कुछ नहीं है नाम सिर्फ नाम इट्स इट कि आपका बन जाता है नाम बट उसके आगे पीछे बहुत चीज़ें होती हैं अगर मैं उसी पर अटक जाती हूँ ना आई विल नेवर बी एबल टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट एज ए ह्यूमन बींग सो दट वॉर आई फील अंकिता शायद इसीलिए आपने वो फेम को इतना अच्छा हैंडल किया लोग इतना कर नहीं पाते हैं आप जैसा यू नो यू कम फ्रॉम वेरी सिंपल फैमिलीज एंड देन आफ्टर पवित्र रिश्ता यू बिकेम टी बिगेस्ट स्टार पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कुछ बातें आई थिंक यू इनकलकेटेड यू कुड हैंडल दैट फेम राइट ये मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है क्योंकि आप अपने रूट्स को कभी नहीं भूल पाए आपको याद था कि आई थिंक सक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ज़रूर हाइप पर ली जाती है या mm. फीलिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन mm. कुछ ही पल के लिए होती है देन यू कम बैक टू नॉर्मल यू you नो know, वो थोड़ी मिनट्स के लिए जैसे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट साइन किया मेरे को शायद वो आठ दस मिनट दो दिन बहुत वाव मैंने कर यू विल कम बैक टू नॉर्मल तो मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस और फेलियर मैंने इन दोनों में हमेशा बीच में रही हूँ अगर मुझे 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 रियलाइज़ ही नहीं हुआ कितने टाइम तक कि मैं कोई स्टार बन गई हूँ मैं आई वॉन्ट टू गिव दिस एग्ज़ाम्पल अभी मैं बिग बॉस में अंदर थी मुझे बिग बॉस ने हेडफोन पर सुना आप अंकिता लोखंडे हैं एंड मैं सुन रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंकिता लोखंडे क्या है इट्स अ वेरी जेन्यून थिंग आप अंकिता लोखंडे हैं आप भूली मुझे नहीं पता अंकिता लोखंडे क्या है आई मीन इन दैट सेंस वेर वॉट अ बिहेवियर शुड आई हैव इफ आई एम अंकिता लोखंडे आई डोंट नो मुझे बस इतना पता है कि येस आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल आई एम रेडी टू यू नो डू एवरीथिंग फॉर माई वर्क जो मैं बिग बॉस में कर रही थी दैट वॉज पार्ट ऑफ माई जॉब जो मुझे परफॉर्म करना था बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अंकिता लोखंडे क्या है ये मैं खुद बताने लगूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे बताना क्या है भिल्कुण. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना ही पता चले ना तो अच्छा है hmm. तो ही आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में तो हाइज तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थी ही यू नो उस टाइम पे एंड आई फील लाइक इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो यू हर स्टेट यू नो शांत यू हैप्पी यू हैदर मुझे लगता है जितने शिद्दत से आपने अपने फिल्मों को की उसी शिद्दत से आपने प्यार किया और करती रहे हो चाहे वो अपने यू नो रिलेशनशिप्स हो आज शादी में हो यू आर दैट पर्सन फुल्ली कमिटेड बट वेन यू आर दैट पर्सन इट इज ऑल्सोज हार्ड ब्रेकिंग राइट अ लॉट ऑफ वुमेन टॉक अबाउट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू हार्ड ब्रेक्स यू बिन थ्रू इट एंड स्पेशली एज एन एक्टर आई फील बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब किसी आम इंसान का किसी आम महिला का हार्ट ब्रेक होता है उसे पता है उनके दोस्तों को पता होता है आपको अपना हार्ट ब्रेक पूरी दुनिया के साथ शेयर करना पड़ता है और उसके बाद लोगों के ओपिनियंस चल रहे होते हैं आसपास कि क्यों हुआ उसकी वजह से हुआ है वो घमंडी है ये है वो है सी आई डोंट नो आई ऑलवेज फील कि जब ऐसी चीज़ें आपके लाइफ मैं मैं ऐसी इंसान हूँ मेरी लाइफ में अगर कुछ छोटा होता है ना और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हो गया मैं तब बहुत ड्रामे करूंगी लेकिन मेरी लाइफ में जब सच में कुछ बड़ा हो जाता है ना मैं चुप हो जाती हूँ यू नो आई एम दैट पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बारे में आ, मैं ना हमेशा लोगों को ना अपनी अच्छी चीज़ें बता सकती हूँ hmm. खुशी से बता सकती हूँ मैं उसका ढिंडोरा पीट सकती हूँ लेकिन मेरी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना मैं वो चीज़ नहीं बता पाती कभी लोगों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरे रिश्ते की बेइजती है या वो मेरी मेरी ब्रॉटअप में ही नहीं है कि मैं शायद मैं मैं कोई दुख आया ना अगर मेरी लाइफ में मैं अपने मम्मी पापा को तक तो नहीं बता पाई हूँ इस चीज़ को मैं हमेशा इतनी शील्डिंग रखती हूँ कि मेरी दर्द मेरा दर्द वहाँ तक ना पहुँचे तो मैंने हमेशा उस चीज़ को ना अपनी तरीके से साइलेंस भी रखने की कोशिश की है एंड नॉट फॉर एनी रीज़न बट येस मुझे लगता है जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में होती है वो वो आप तक ही होनी चाहिए यू you नो know, मैं मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं इस चीज़ का ढिंडोरा पीट के उस चीज़ को और बदनाम नहीं कर सकती और वो मैं रही हो मैं हमेशा वैसी ही रहूँगी तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ हुई है मेरे लिए चुप रहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो मेरे लिए भी और दूसरे इंसान के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा एंड दैट्स वॉट आई आई हैव ऑलवेज फेल्ट और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है जब जिनो uh, you know, uh, आपके साथ एक Like yeah. उस मैंने कहा ना आम इंसान के लिए वो कर सकता है क्योंकि आपको पूरी दुनिया को yes. नहीं पता है और यहाँ पे चल रहे ओपिनियंस कि शायद उसकी वजह से जहाँ आपका दिल टूटा हुआ है उसी चक, इसी, इसी वजह से आपको चुप रहना ज्यादा सही है mm -hmm. क्योंकि आप ही अगर जो हुआ है और उसका आप ही आंसर दे रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो किसी यू नो ना आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लेट पीपल से इट मुझे कभी चीज़ें बॉडर नहीं की कि लोग क्या बोलते हैं फिर आपने खुद का ध्यान कैसे रखा उसमें मेरी बबी थी ना मेरी पूरी फैमिली थी और मैं एज ए इंडिविजुअल आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे यू नो मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने आप को आई वेरी पॉजिटिव वेन इट कम्स टू यू नो जहाँ हार्ट ब्रेक्स की बात आती है सी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ यू नो अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ प्यार देती हूँ तो मुझे पता है मैं क्या दे रही हूँ यू नो और जिस तरीके से मैं लोगों से रिश्ते बनाती हूँ तो मैंने भी तो कुछ दिया है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता यू you नो know? तो मुझे कभी उस चीज़ पे डाउट नहीं हुआ कि यू you नो know, uh, क्या रीज़न रहा होगा इस चीज़ का या मैं उस चीज़ को लेकर रोती रहूँ यू नो अब जिसको जाना है वो जाकर रहेगा विल कॉन्ट स्टॉप द पर्सन बट येस यू हैव योर लाइफ अ हैड एंड मेरे जब मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ उस टाइम पे यू नो मुझे लगता है मुझे इनके लिए जीना है यू you नो know, मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो मेरा मोटिवेशन हमेशा मेरे मम्मी पापा रहे मुझे इनके लिए कुछ बनना है क्योंकि मैं मैं रोक कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती और मैं ऐसा इंसान हूँ बहुत खुश रहना चाहती हूँ मैं हूँ मैं बहुत दिन तक दुखी नहीं रहना चाहती अगर हूँ भी तो अंदर से दुखी हूँ और मैं को कैसे मैं बाहर आऊँगी इस चीज़ से तो हमेशा ये चीज़ें हुई है और जब बिग बॉस में भी मेरी विकी की लड़ाइयाँ होती थी ना तो मुझे यही चीज़ लगती थी कि यह हम नहीं हैं यू नो ये क्यों हो रही है चीज़ें तो मैंने हमेशा उसको एक पॉज आने के बाद तुरंत यू नो एवरीथिंग चेंज्ड जैसे ही हम लोग बाहर आए आई विकेम नॉर्मल सम हाउ ही विकेम नॉर्मल बिकॉज उस घर में कहीं ना कहीं हम इतना इट वॉज अ परफॉर्मेंस प्रेशर इट वॉज एवरीथिंग कमिंग टू अर एंड देन वी रियलाइज एक्चुअली यू डो हम हम ऐसे नहीं थे और जैसे हमने दिखाया तो आई थिंक वो सब मिलकर ही चीज़ें हो जाती है एंड इट गिव आपको एक ताकत अपने आप आ जाती है चीज़ों से फाइट बैक करने की तो बाहर आके भी मुझे बहुत सारे लोगों से जब मैं मिली उन्होंने मुझसे बहुत चीज़ें पूछी पर मुझे कभी वो नेगेटिव नहीं लगा मुझे लगा ठीक है अब जो किया है हमने ही किया है अब हमें आंसर तो देना पड़ेगा बट पर...

Give me he gave me that thing you know we both are on a positive side and it's okay it happens it normally happens so it's okay you know you, because you brought this up i must say that at some point uh, certain things the way it was happening in the house i think all your friends from Ranal to everybody yeah. outside yeah. they have all like sahini or him also because you know, when you're seeing that, you know, your husband is, even if it's as friends holding mm. hands mm. or you're asking something, your voice is being ignored mm. and you're going and crying in a corner saying that, you know, what happened? This is mm. the same person who supported. Mm. For the people who've known you yeah. and supported you and, and the ones who are attacking you in the house, I think you kind of start feeling protective about that. Yes. And which is what happened to all your fans and to everybody around you, saying that, no, I think you were also appreciated for voicing out that. लोग कहते हैं ना टॉकिंग अबाउट डे राइट ऑफन दैट सिर्फ अकेले सहते रहो हाँ जरूरी है लेकिन उस टाइम पे जब आपको कुछ फीलिंग हो रही हाँ, है तो बोलना बहुत जरूरी है आपने वो किया मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने मुझे बट मैं आज भी ये बोलती हूँ कि हाँ मैंने फील किया और मैंने बोला शायद मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा उस टाइम निकल रही थी हुँ. जो कि मुझे लगता है कि यू नो ठीक uh, है वो आपका वो फीलिंग मैं वो मैं नहीं हूँ कि मैं इसे अंदर रखू उस चीज़ को और दबा कर रखू मुझे जो फील होता है मैं बोल देती हूँ यू नो शायद उस घर में बोलना गलत थी क्योंकि कहीं कही ना कहीं बहुत इम्पैक्ट गलत आया है उस चीज़ का लेकिन यू uh, नो you know, मैं एक चीज़ जरूर सीखी बिग बॉस से कि ओवर इमोशनल होना सही नहीं है यू you नो know, और ओवर रिएक्टिव समटाइम्स वॉट शो वो कट 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 कर करके क्या दिखता है हमको नहीं पता चल रहा था बट मेरी जो फीलिंग्स थी और जो विकी विक्की के साथ जो मेरी बातें होती थी वह मतलब हमने जेन्यूनली एक दूसरे से वो चीज़ें शेयर किया मैंने बात की बट येस आई हैव अंडरस्टूड कि ओवर इमोशनल होना इज नॉट रियली हेल्दी फॉर दिस ऑल्सो एंड फॉर दिस ऑल्सो सो दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम बिग बॉयस नो फेर देवर इशूज बोथ ऑफ यू हैव कम एंड स्पोकन अबाउट द फैक्ट दट योर लर्न फाइन yeah. बोला कि yeah. हाँ, हुई थी दोनों में बहुत अरे टक्कर मैं आ, एक चीज बताती हूँ ये एक कपल होता है ना hmm. वो डेफिनेटली वो सबके साथ आ, आप शायद हमारा वही पे बोल रही हूँ वापस कि हमारा सबके सामने था टीवी पे पर हर कपल में कुछ ना कुछ पंगा होते रहता है और जब हम घर पे भी होते हैं तो मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है विकी को जो चीज़ अच्छी लगती है हम बात करते mm -hmm. हैं उस बारे में तो ऐसा नहीं कि मैं अंदर रख के बहुत चुप रह लूँगी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बता देते हैं दूसरे mm -hmm. को एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वट एव यू फील यू शुड टेल योर पार्टनर यू नो अगर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी तो मैं घुटने लगूंगी यू नो एंड आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं घुट घुट के रहूँ मुझे बोलना बहुत जरूरी है एंड वट एवर यू नो माई रिएक्शन इट विल बी ऑन माई फेस ऐसे so it's, it's okay. ही है हम हाँ और ऐसे ही यू में मुझे दिखाना है चीजों को मैं भी किसी छुपा नहीं सकती कोई चीज नहीं और फेर इज शी बींग्रोल्ड इट्स वेरी डिफिकल्टिकॉज यू आर नॉट अ वोमन अलाव टू बीट्रोल्ड नो वट एन और वो तो जरूरी था ही तो आई थिंक उस आई थिंक वॉज दर ऑल्सो रीजन वन यू केम आउट एंड थॉट लाइक नहीं यार वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि मैं हुई नहीं वो औरत मैं कहाँ कंट्रोल अगर कंट्रोल होती तो मैं चुप रहती वही तो <laughs> वो बेचारे बोलते रहा बेबी कुछ नहीं है ऐसा बट जब मैंने बाहर के एपिसोड्स देखे और मुझे लगा यार मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ यार कुछ कुछ चीज़ों पे पर... क्या होता है आपको नहीं पता हो रहा ना कि दूसरी साइड क्या हो रहा है बट mm. वो मेरे इमोशंस इतने मेरे पर हावी थे कि मैंने वो चीजें की जो मेरे बहुत नेचुरली निकले बिल्कुल मेरे को और उस घर में क्या हो रहा था आप इतने टाइम से बंद हो आपको ना छोटी छोटी चीजें भी हर्ट कर, कर करने लगती है और मेरा एक ही इंसान था वहाँ जो, जो था विक्की और विक्की सबके साथ क्लोज और मैं वो इंसान कि मैं एकदम से सबके साथ क्लोज हो जाऊँ सो यू नो फॉर मी इट वॉज लाइक विक्की तू कैसे सबके साथ क्लोज हो सकता है और मेरा जो बंदा है वो सबके साथ है वो मेरे साथ ही नहीं तो मेरे को फीलिंग आने लग गई थी तो मेरे को शायद वो छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसा लगता था कि लोग चढ़ा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं नो तो वो चीज़ें डेवलप होती गई होती गई और फिर वो एक दिन करके फूट गई

मुश्किल आपको पता ही नहीं चलता है नहीं। क्योंकि आप डिप्लोमैटिक नहीं हो तो आपको जो फील हो रहा है आप वो बोलोगे तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है तो यू आर सो रियल देन तो मेरे को कभी डिफिकल्टी नहीं हुई ये करने में डिफिकल्टी कहाँ होती है जहां मुझे छुपानी पड़ती चीजें जहाँ मुझे लगता है ये मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ डिफिकल्टी वहाँ होती है तो मुझे लगता है कि रियल uh, होना सबसे इजी चीज है इस दुनिया की यू नो जस्ट बी रियल आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको जो बन करता है वो बोल दो बट कभी कभी आप पे भारी पड़ जाती है भारी तो sure. पढ़ सकती है स्पेशली इफ यू आर अंकिता लोखंड भारी पड़ती है हमेशा <laughs> पड़ती है बट यू नो नो अंकिता बिकॉज यू सेट मेक्स सेंस एल और पीपल क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली राइट वैन यून एन द हाउस दैट यू नो क्वेश्चन आस्किंग दैट शी इज ब्रिंगिंग अप सुशांत एंड इवन वैन यू स्टूडअप फॉर हिम इवन वैन यू वॉन्ट गिविनियंस डोरिंग वट सुशांत Few years back, you were question saying that अपने उसके लिए use kare to be सुर्खियों में रहने के लिए I think मेरे लिए लोगों के point of view matter नहीं करते मुझे किसी भी मैटर चाहे वो विक्यू मेरा रिश्ता भी क्यों ना हो चाहे मेरे लिए ये भी हो hmm. मुझे लोगों के जो लोग बोलते हैं वो मैटर नहीं करता आई नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वॉट वॉट इज देर यू नो सो यू ऑलवेज रिस्पेक्टेड क्या आई मीन आई विल ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट मतलब मैं अगर किसी इंसान को मैं जानती हूँ और अगर मुझे किसी किसी से भी किसी की बात करनी है मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है hmm. और जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है बट दैट्स मी मुझे मुझे लगता है आज भी मेरे विकी की रिलेशनशिप पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं hmm. कि आ, क्या है आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन आई एम नॉट रिली आंसरेबल टाइम विल टेल यू नो एवरी थिंग क्योंकि पीपल हैव देर ओन जजमेंट्स मैंने बहुत चीज़ें सुनी थी आने के बाद इनका ये हो जाएगा हो जाएगा देखते हैं उनका ब्रेकअप देखते हैं ना देखते हैं टाइम बताएगा मुझे इसीलिए मुझे ना कभी सुशांत के मैटर में भी क्योंकि जब मुझे लोगों ने वहाँ पर भी पूछा था मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ है यार मैं किसी इंसान को जानती हूँ मुझे अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा पता है Probably मैं you. हमेशा बताऊंगी ये मैं बता, कोई मुझे रोक नहीं सकता फिर उसके ऊपर आपके जजमेंट्स हैं आपको लगता है ये इस से ठीक है होगा आपको लगता है ठीक है होगा। आप अपने जजमेंट्स बनाते आप कुछ रोक तो पाओगे नहीं मुझे mm. कुछ भी करने से नो बड़ी कैन स्टॉप भी डूइंग दैट बट देव देर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज बट आव नो प्रॉब्लम दैट इज एंड यू बिल्ड योन लाइफ अभी तो आपकी थोड़ी बहुत कहानी सुनी है लोगों ने कहा पूरी तो वो मेहनत से आपने जी है एंड पीपल स्टिल हैड दी ओडेसिटी टू से दैट उसने तो विक्की के साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की है यू नो व्हाट आई एम सेइंग आई नो इट्स बट दिस अ लॉट ऑफ वुमेन गेट टू हियर दिस काइंड ऑफ थिंग्स या मुझे उसके बारे में बताइए मुझे ऐसा लगता है जब विक्की और मैं दोस्त थे और जब विकी ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए तो मुझे मेरी मम्मी को किसी uh,

और मुझे उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे आज भी विकी क्या करते ऑफकोर्स मुझे पता है कि कोल है बट इट्स अ यू नो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस आई मीन मेरा रिश्ता विकी का रिश्ता कभी मैं वो लड़की नहीं हुआ है मेरे पास बहुत मैंने अपने दम पे बहुत मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और हमेशा exactly. थी तो मुझे ना ज़्यादा चाहिए मेरे पास जितना था ना मैं उतने में हमेशा खुश रही हूँ mm. तो आज भी अगर इफिन सीमा लाइफ स्टाइल ना शायद होगा मेरे पास बट मैं आज भी वही सिंपल लड़की हूँ okay. तो मेरी डिमांड्स अगर विकी को ही पता है वही कभी कभी बोल देता है ना कि कुछ तो मेरे से ज्यादा शॉप होली आई थिंक विकी है और मैं उसको देखती रही <laughs> कितनी शॉपिंग तो यू नो मनी इज समथिंग ये लोगों का परसेप्शन हो सकता है रुद्राणी क्योंकि Uh, जैसे मैंने कहा लोग तो बोलेंगे ना उनका काम है कहना hmm. उन आप चुप नहीं करा सकते हो लेकिन मुझे और उसे पता है कि वॉट डू वी शेयर विद ईच अदर यू नो मनी इज अ सेकेंडरी पार्ट और अगर पैसा भी hmm. है तो हम अगर मेरा हस्बैंड है वो मुझ पर खर्च करेगा क्यों नहीं करेगा भाई हसबेंड है इट्स माई राइट कि वो मुझ पर शॉपिंग करे <laughs> मुझे जो करना होगा करे लेकिन दैट कम सेकेंडरी फॉर मी इन लाइफ इन माई होल लाइफ माई प्रायोरिटी हैज बिन लव लव दैट्स मी आई ऑलवेज लुक फॉर लव नथिंग एल्स अगर uh, सारी चीज़ें पैसा ही होती तो वहाँ जब मैं झगड़ रही थी ना तो फिर वो पैसों की वजह फिर तो मैं झगड़ कुछ था ही ना चुप रहती चुप ही रहती

थिंग अंकिता क्या कैसे बदली वो अंदर की जो औरत है वो बदली कि वो एग्जैक्टली exactly बी नहीं बिल्कुल ही बदली बात <laughs> है नहीं, <laughs> नहीं बहुत मुझे अभी भी लगता है कि यू नो अंकिता थोड़ा सा कम हो जाए मतलब यू नो आई वुड से मैं एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की कि, नहीं, नहीं, आपको पता है कि आपकी जिद पूरी होगी hmm. आपको पता है कि यू you नो know, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ ना खराब होने वाला यू अंडरस्टैंड सो मुझे लगता है कि विक्की ने ना वो चीजें की है मेरे साथ तो अगर मैं वहां पर बिग बॉस में लड़ भी रही थी ना विक्की से और या वो हम दोनों को इतना पता है एक दूसरे के रिश्ते के बारे में दिस इज is...

यार ऐसे तो कोई फनी तो नहीं पता लेकिन बेबी शोना टाइप्स तो इज कॉमन बिकॉज़ इट बिट टू क्यूट ओके एंड जोबी आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन जोबी लाइक सम रैंप आपका तकिया कलाम है क्या जो भी बोलते रहते हैं मंकू मंकू इज लाइक बंदर का नाम है I don't know आई डोट ही ऑलवेज कीप कॉलिंग monkey, यू नो मंकी So monkey स्टोरी story जिसमें विकी ने जब से हम date करना चालू किया उसने एक ऐसा नाम लिखा मेरा फोन पे मंकू और उसमें चार बंदर तो उसे लगता है मैं हमेशा उछलती कूदती रहती हूँ तो let's keep that name so yeah और घर पे नाम है मेरा Rajeshwari राजेश्वरी dad used to call me yes used to call me मी Raj राजेश्वरी and बहुत सारे नाम हैं यार मेरे जो प्यार से लोग बोलते हैं ho. बड़ा okay. uh, क्यूट है बट ओके वन एडवाइस दैट योर मदर गिव यू आई थिंक पेशेंस रखना चाहिए हर सिचुएशन में दैट्स व शी ऑलवेज टेल्स मी एंड शी ऑलवेज वो खुद भी वैसी हैं यू नो सो मुझे हमेशा कोई भी सिचुएशन रहती है मुझे शांत रहना सीख mm. हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है चीज़ें खराब भी हो सकती हैं तीन ऐसे एक्टर्स फीमेल एक्टर्स जिनकी जर्नी आप बहुत इंस्पायरिंग लगती है आई थिंक कंगना ओके एंड माधुरी मैम ऑफकोर्स एंड रेखा मैम माधुरी जी के साथ आपने अभी डांस yes. दीवाने में डांस yes. भी किया yes. हो गया बस हो गया वो है ना <laughs> माधुरी मैम अफकोर्स झलक दिखला जा मैं हम साथ में थे लेकिन वापस इतने साल बाद उनके साथ वहाँ पर बैठना और यू you नो know, उनके साथ परफॉर्म करना एज ए गेस्ट जाना और यू you नो know, एक ऑफ कोर्स यू लव माधुरी मैम मुझे हमेशा लगता है माधुरी मैम को जब भी आप हक करो ना से खुशबू आती है ना अलग सी mm. जो मुझे अलग दिखलाज साइड पे आती थी ना उनके से हक करते थे उनकी एक अलग बॉडी एक होता wow. ना अपना चाहिए तो लगता था ये माधुरी दीक्षित है यू नो तो इस बार जब मैं भी उनसे हक कर लिया तो मुझे वो फीलिंग आई यू नो आई लव माधुरी मैम तीन ऐसी औरतें इस इंडस्ट्री से जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है देते रहे हैं आई थिंक एकता मैम कंगना मैम एंड आई थिंक द लॉर्ड ऑफ पीपल ओके माई फ्रेंड्स जो है अपर्णा है और मृणालनी है अमृता खानविलकर है यू नो दीज आर माई विमेन जो हमेशा मेरे साथ रही हैं हर जी सिनेस्टार की जितनी लड़कियाँ हैं यू you नो know, जो हमारा फर्स्ट लॉड है आज भी वो हम सब दोस्त हैं आई थिंक श्रद्धा युविका अमृता एंड यू नो इतनी सारी लड़कियों वो भी इतना ग्रो की हैं अपने लाइफ में सो आई थिंक वी वी ऑल आर देर टू यू नो मोटिवेट ईच अदर आज मेरे सामने जो बैठी हुई है ये वाली अंकिता उस अंकिता को क्या एडवाइस दी थी जिसने अपनी करियर स्टार्ट की थी मुंबई में आके आई थिंक अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है अब स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड बी मोर फोकस्ड आई थिंक यू मोर फोकस्ड आई कि और ज्यादा फोकस होती मैं आज कहीं और ही होता आई थिंक थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू नो कीप योर सेल्फ एज ए प्रायोरिटी तीन ऐसे फीमेल ऑन स्क्रीन कैरेक्टर जिस जिसको करने के लिए आप कुछ भी करती बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स यू नो द रिटन एंड ऑल ऑफ दैट आई थिंक दीपिका फ्रॉम पदमावत यू नो एंड जब जमी मेट करीना कपूर एंड क्वीन फ्रॉम कंगना फ्रॉम क्वीन लवली वट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव दैट यू गिवन योर सेल्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट खुद को आई थिंक अबाउट अ कार फॉर माई सेल्फ यू नो ई फर्स्ट कार जेगोर कॉस्टली अच्छा ही मुझे खरीदनी बट मुझे खरीदनी पड़ी बट या देट वॉज अ गिफ्ट फॉर माई सर वॉट इज बिन द मोस्ट एम्बेसिंग फैन प्रपोजल द रंग डीएम्स में हो सकते हैं कुछ जैसे मैसेज बताते रहते हैं या ऐसा कोई फ़ैन प्रपोजल तो मुझे नहीं पता हाँ एक्चुअली अभी मैं कहीं गई हुई थी और विकी के कोई पूजा थी अभी हम लोग वहाँ गए थे hmm. तो वहाँ पर कोई जॉइंट फैमिली से कोई एक <laughs> थे और उनकी वाइफ़ मेरे पास आई तो बोले बोले विक्की को बोलते कि आप प्लीज़ अंकिता को थोड़ा देख लीजिए मेरा पति इनको लेकर भाग सकता है <laughs> Literally, क्योंकि वो मेरे पास आए फोटो खिंचाने बोले आपको उनकी भाई आपको नहीं पता ये आपके लिए मुझे भी छोड़ सकते हैं like, <laughs> <की भी> <laughs> yeah, like, इतना पसंद करते थे और उन्होंने उनको मैं, उनको मैं hmm. हर तरीके से चाहिए थी और जब मुझे मिले ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एक ऐसा कौन सा मिसकनसेप्शन है अंकिता के बारे में जो लोगों को लगता है सही है बट ऑबियसली वो नहीं है आई थिंक लोगों को ये लगता है शायद कि यू नो क्या लगता है बहुत चीज़ें लगती हैं लोगों को लेकिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत आरोग्यन टू यू नो पीपल थिंक दैट वे दैट हाँ अबाउट यू या पीपल थिंक दे दे हैव दैट कि शायद चीज़ वेरी आरोग्यन बट इट्स नॉट दैट यू नो जस्ट दैट अब You need to give me time. Mm. The moment you get me, get to know me, you'll be like, "Acha, marriage is here mm. You know, so you know, because I am very, I am very protect, I mm. shield myself that way. You know, I am not somebody I'll just talk to, you know, randomly. Hi, hello, no, mm. I take time. You know, but the moment people get to know me, they see a different Ankita, Absolutely. and that's what I feel. Was the funniest rumor that you heard about yourself? I.

अपने इमोशंस को oh, किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि जब आप वो किसी को बताते हो ना यू फील लाइटर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप वर्किंग काम एक ऐसी चीज़ है हर औरत के लिए चाहे वो छोटा हो बड़ा हो यू नीड टू वर्क बिकॉज आपकी पहचान ही आपका काम है एंड दैट्स यू सो नेवर 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 लीव योर वर्क फॉर एनी यू नो कीप वर्किंग एंड कीप ग्रोइंग That's it. Happy Women's Day to all of you. Thank you so much, and I'm very proud of you. Lots <laughs> of love. Hi, I'm Dr. Rishikesh Pai. I'm a gynecologist and infertility specialist practicing since 1990, and I am the medical director of Blue MyWave Group and we have many clinics. Two main clinics are in Mumbai at Lilavati Hospital and in Delhi at Fortis Lafem Hospital. In egg freezing, we give the injections to the woman, and after 10-11 injections, when there are many eggs, these eggs are taken out under anesthesia by ultrasound machine you know with a small needle and these eggs are then preserved in liquid nitrogen where they are stored for many years. This is egg physics.